गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था करंट अफेयर सेक्शन को, जो कि किसके किस एग्ज़ाम के लिए था, ये था झारखंड CGL के लिए, JPSC के लिए और JPSC CDPO के लिए भी। जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसमें झारखंड स्पेशल का करंट अफेयर होता है, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फेमस पर्सन्स, अवार्ड्स, मोबाइल ऐप, पोर्टल, मेन पॉलिसीज, प्लानिंग, इंडेक्स रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे और पिन पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे आपका जितना भी करंट अफेयर सेक्शन या झारखंड स्पेशल सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है झारखंड स्पेशल से। ये था 3 स्टूडेंट्स ऑफ बोकारो, DPS बोकारो के 3 छात्र कक्षा 9 के उत्कर्ष राज एवं अभिनीत शरण तथा कक्षा 8 की अंजलि कुमारी को इंस्पायर्ड अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स आर्ग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के लिए। किस स्कूल से, आपको पहले स्कूल का नाम ध्यान देना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से 3 स्टूडेंट है, एक का नाम है उत्कर्ष, अभिनीत और अंजलि कुमारी। इन लोगों को अवार्ड दिया गया है मानक मिलियन माइंड्स आर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। यह तीनों विद्यार्थी जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में अपने विद्यालय DPS बोकारो का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये स्टूडेंट किस स्कूल को बिलोंग करते हैं, DPS बोकारो को, और इन लोगों को सेलेक्ट किया गया है किस लिए, मिलियन माइंड्स एंड आर्ग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के लिए। इसमें चयनित प्रत्येक छात्र, जितने भी 3 स्टूडेंट्स हैं उनको 10,000 की राशि प्राप्त होने के साथ ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। ये लोग को 10,000 मिलेगा, जो पर्टिकुलर अमाउंट है 10,000 का अमाउंट है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं कॉम्पिटिशन है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। आगे छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल करते हैं उसके बाद उनको स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किया जाएगा। लास्टली 1,000 छात्र को नेशनल लेवल पर अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो पहले इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट किया गया, देन इनको स्टेट लेवल पर किया जाएगा, और लास्टली जो नेशनल लेवल है उसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ किस स्टेट्स, किस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑब्वियसली हम लोग झारखंड डिस्कस कर रहे हैं तो झारखंड का ही होगा। स्टेट है आपका बोकारो, स्कूल का नाम है DPS, और जो स्टूडेंट्स का नाम आता है वो 3 स्टूडेंट है, आपको वो ध्यान में रखना है। पहला है उत्कर्ष राज, अभिनीत शरण 2 की, और एक लड़की अंजलि कुमारी। ये 3 का आपको नाम याद रखना है, जिन लोगों को मैनेक के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो आपको जो पिन पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है कि स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टूडेंट्स का नाम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। और ये जो हम लोग करंट डिस्कस कर रहे हैं ये आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में करंट सेक्शन डिस्कस किया था, तो उस वीडियोस को आप जितना देखेंगे आपका करंट रिवीजन हो जाएगा, और इतना टाइम तो नहीं मिलता। जैसे आप झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे, 40 मार्क्स का झारखंड है आपका, तो आप 40 मार्क्स के एक एक टॉपिक, झारखंड का कल्चर, उसके जितने भी पॉलिसीज़ हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, और साथ साथ आपका जो करंट डेली का करंट हो रहा है अप टिल योर एग्ज़ाम के जस्ट 10-15 डेज बिफोर, जितना करंट है आपको वो कवर करना है। तो इसके लिए आपको जो भी वीडियोस आ रहे हो उसको अकॉर्डिंगली बार बार देखना पड़ेगा। जैसे जितने बार आपके माइंड आपके सामने से जाएगा वो आपका रिपीटेशन होता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाटा स्टील उड़ीसा। ठीक है, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद टाटा स्टील उड़ीसा स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को, आपको याद रखना है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, नीलांचल टाटा स्टील कंपनी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उसको 12,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है। कितना अमाउंट है, 12,100 करोड़। नीलांचल इस्पात का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित है। आपको वो लोकेशंस देखना है, लोकेशन कहाँ है, कलिंग नगर में। उसकी सालाना उत्पाद क्षमता कितनी है, 11 लाख टन है। तो ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया है कि ये कहाँ पे होगा, उड़ीसा में होगा,
टाटा स्टील उड़ीसा से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड होगा। आपको कंपनी का नाम याद रखना है, उड़ीसा है तो उड़ीसा में नीलांचल है वो आपको ध्यान रखना है। और कितने का कितने करोड़ रुपए अधिग्रहित किए गए हैं, 12,100 करोड़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता, इसका एनुअल कैपेसिटी क्या है, 11 लाख टन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइनिंग एंड जियोलॉजी से है। ऑब्वियसली झारखंड स्टेट में कोल एरियाज माइनिंग इस चीज़ के लिए फेमस है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के साथ MOU पे हस्ताक्षर किया गया है। कौन सा MOU पे साइन किया गया है, झारखंड माइनिंग एंड भूतत्व विभाग मीन्स खान माइनिंग एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मीन्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के साथ MOU का साइन किया गया। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, किसके साथ है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए किसके साथ हुआ है, झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग में। सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को बेहतरी के लिए जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। यह MOU, ये इसका टाइम लिमिट क्या है, फॉर 2 ईयर्स, तो आपको टाइम लिमिटेशन याद रखना है, 2 ईयर्स के लिए फॉर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कार्य प्रणाली किसके लिए किया गया, खान और भूतत्व विभाग के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको ये सारे पॉइंट वाइज आप लिख कर प्रैक्टिस कर लो या बार बार रिवीजन करो तो आपको वो याद रहेगा। अगर आप याद नहीं करते हैं और करंट अफेयर के सेक्शन में क्वेश्चन आता है तो आपका 3 मार्क्स तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक लगाया, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है JSSC CGL जो है इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात का आपको कोई भी आंसर जब भी आप टिक करते हो तो ये ध्यान में रखिए कि आप जो दे रहे हैं वो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है अगर आपने गेस वर्क किया है तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड डॉक्यूमेंट्री। नेशनल ज्योग्राफिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया है। हेमंत सोरेन ने क्या किया, पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री में 4 अलग अलग फिल्में होंगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ की बात हो रही है जिसमें 4 अलग अलग फिल्में होंगी। पहली फिल्म में बेतला, मैस्कुलीगंज, नेताहाट और आसपास के क्षेत्र। दूसरी फिल्म में गिरिडीह, पहला फिल्म जो है आपको बेतला और नेताहाट के आसपास का एरिया का दिखाएगा। दूसरे फिल्म में गिरिडीह, देवघर, मलूटी के आसपास के क्षेत्र। तीसरी फिल्म में जमशेदपुर, खूंटी, सरायकेला और चौथी फिल्म में रांची हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों का अवस्थित पर्यटक स्थलों पर आधारित होगी। ये क्या है, इसमें जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जो भी टूरिस्ट एरिया है उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो आपको 4 नाम याद रखने, 1st, 2nd, 3rd, 4th। पहले वाला बेतला और नेतरहाट के आसपास होगा। 2nd गिरिडीह से रिलेटेड देवघर, मलूटी। 3rd में है जमशेदपुर, खूंटी, सरायकेला और लास्ट में जो है रांची हजारीबाग। तो ये क्या है, पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने बताया है कि प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से थर्मोकोल और प्लास्टिक से जुड़े सामान प्रतिबंधित हो गए हैं। जैसे आपको ये डेट याद रखना है कि थर्मोकोल एंड प्लास्टिक का जो भी ऑब्जेक्ट है वो कब से बैन हुआ है, 1 जुलाई 2023 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बाद तक अभी कोई एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने कब किया है, 1 जुलाई 2022 से थर्मोकोल और प्लास्टिक से जुड़े सामान पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एशियन वाटर बर्ड सेंसर्स। लातेहार जिले के लालमटिया डैम में झारखंड के वन विभाग द्वारा पतरातु डैम में वेटलैंड इंटरनेशनल की सहभागिता से झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना की गई। इसमें आपका क्या है,
एशियन एशियन बर्ड्स जो है उसका सेंसस किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पतरातू डैम में। और ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट के ललमटिया डैम, आपको डैम का नाम याद रखना है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ललमटिया डैम है। और ये किसके द्वारा किया गया? झारखंड वन विभाग एवं लतरातू डैम में वेटलैंड इंटरनेशनल की सहभागिता से झारखंड जैव विविधता परिषद द्वारा, जो झारखंड जैव विविधता काउंसिल है, इसके द्वारा किया गया है एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आपको देखना है, हाँ, नेशनल वाटर बर्ड सेंसस, इसमें कौन कौन से बर्ड आते हैं उसका नाम आपको ध्यान रखना है। गणना के दौरान कॉमन किंगफिशर, रेड नेफ्ट, आइसबिग, ओपन बिल स्टॉक, कॉमन कॉन्मरेंट आदि प्रजातियां पाई गई है। तो आपको क्वेश्चंस आ सकता है, आपको स्पीसीज़ के नाम दे के पूछे जा सकते हैं, या स्पीसीज़ में ऑप्शन दिया जा सकता है कि अकॉर्डिंगली लातेहार ज़िले में जो सेंसस हुआ था उसमें कौन से बर्ड मिले थे, या कौन से रेड IUCCN में आ चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौरतलब है कि ठंड के मौसम में विभिन्न प्रजाति के प्रवासी पक्षी लातेहार जिला के जलाशय को अपना आश्रय बनाते हैं। जब विंटर सीजन होता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो मैक्सिमम बर्ड्स क्या कहाँ पे आते हैं? लातेहार जिला, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो जलाशय है, जो वेटलैंड है, वहाँ पे आके वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य के ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में स्टेशन सेंटर, साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब की भी स्थापना की जाएगी। तो ये आपको देखना है किसने किया है, झारखंड के कृषि पशुपालन, जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और एवं सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है? मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है कृषि भवन में राज्य के पहला, ये क्या है, स्टेट का पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट है। और इसमें किस चीज़ को प्रमोट किया गया? साथ ही राज्य की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और राज्य के सभी जिलों में, अभी ये क्या किया गया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों में स्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पाद, स्टेशन सेंटर के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी होगा उसको सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब की स्थापना की जाएगी। मतलब पहले तो अभी एक में किया गया, अब धीरे धीरे क्या हो कि ऑल ओवर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर अवार्ड। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनी गांव को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका देखना है किसके द्वारा किया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित तीसरे नेशनल वाटर, ये क्या है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड है, जो कि बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी। इनमें कौन सा बेस्ट विलेज, सबसे बेस्ट विलेज कौन है? बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के ईस्ट जोन में। तो आपको गांव का नाम याद रखना है, गांव का नाम क्या, गुनी गांव को कौन सा रैंक मिला है, थर्ड। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन में गुनी गांव को थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। यह गाँव एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है, यह गाँव रांची से 30 किलोमीटर से दूर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में धूसली पंचायत में स्थित है। तो आपसे मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस प्रखंड में, आपको ब्लॉक का भी नाम पूछा जा सकता है, और इसका रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग आपको याद रखना है, थर्ड रैंक है। यह गांव रांची से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस दूर किस जिले में है, खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, और ब्लॉक का प्रखंड का नाम क्या है, कर्रा में धूसली पंचायत, पंचायत का नाम भी क्या है, धूसली। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना, पंचायत धूसली है, कैटेगरी थर्ड मिला है, और इसको किस पे दिया गया, नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी। तो मेनली आपको पंचायत का नाम याद रखना है, धूसली पंचायत है, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, झारखंड सरकार और CCL की संयुक्त पहल। झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नमेंट और CCL की संयुक्त पहल PS की कैडेट सबीना कुमारी को, किसको, सबीना कुमारी ने 73rd राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड राज्य को गौरवान्वित किया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि साइकिलिंग का गोल्ड अवार्ड मिला है, किसको मिला है, सबीना कुमारी को मिला है। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था,
JSSPS झारखंड सरकार और CCL की संयुक्त पहल। इसमें आपको जो प्लेयर है उनका नाम याद रखना, सबीना कुमारी है। राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो जितने भी गोल्ड सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज इस तरीके के हैं तो वो आपको एक जगह लिस्ट बना लेना है कि किसने किस कैटेगरी में जीता है। तो ये कौन है, सबीना कुमारी है। इन्होंने गोल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ला कर झारखंड राज्य को क्या किया है, प्राउड फील कराया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2022 एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया रांची में, कहाँ पे किया गया, रांची में 5 और 6 फरवरी को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन किया। आपको डेट याद रखना कब से कब तक हुआ है, 5 और 6 जनवरी के बीच हुआ है। क्या हुआ है, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2022 कहाँ पे हुआ है, ये रांची में किया गया है। यह रेस वॉकिंग नेशनल का कौन सा सीज़न था, 9th सीज़न था, जो जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में काम किया गया है। इस ये किसके क्वालिफाइंग रूप में आया है, जो जुलाई में ऑर्गेनाइज 2022 में हुआ था, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में काम किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये था आपका जो स्टेट करंट अफेयर था। नेक्स्ट आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है झारखंड के, वो हैं। तो पहली है वंदना दादेल, ये क्या है, IAS अधिकारी। वंदना दादेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जितना भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है वो है ये, तो इनका नाम याद रखना, वंदना दादेल है ये। ये एक IAS हैं जो कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, जो सेक्रेटरी होते हैं उनके रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पर्सन है संजय श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा के 1989 बैच के अधिकारी रहे संजय श्रीवास्तव को झारखंड का प्रधान वन रक्षक नियुक्त किया गया है। ये कब के बैच के हैं, 1989 बैच के हैं, अधिकारी रहे संजय श्रीवास्तव को झारखंड का प्रधान वन रक्षक। आपको इनका पोर्टफोलियो याद रखना है क्या है, ये झारखंड के प्रधान वन रक्षक में इनको अपॉइंट किया गया। नाम क्या है, संजय श्रीवास्तव। नेक्स्ट आते हैं निशार अहमद, ये JPSC के नए सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन सा पोस्ट है इनका, JPSC के नए सचिव, नाम है इनका निसार अहमद। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मिथिलेश कुमार ठाकुर। तो ये सब नाम आपको बार बार देख के रिपीट करना होगा, तभी आपको याद रहेगा। सुभाषिस रसिक सोरेन नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं सुभाषिस रसिक सोरेन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पैनल का अधिवक्ता बनाया गया है। इनको नेशनल जनजाति अनुसूचित जनजाति मीन्स SC कमीशन का पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। नाम है सुभाषिस रसिक सोरेन। नेक्स्ट है मांझी सवैया, चाईबासा रघुनाथपुर गाँव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मांझी सवैया को फ्रांस की पेरिस में संपन्न विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया है। इससे पूर्व मांझी सवैया इंडियन आर्मी के प्रशिक्षक रह चुके हैं। इसमें आपको दिया गया कि किसे कोच बनाया गया है, चाईबासा रघुनाथपुर गांव के, ये कहां का है, चाईबासा के रघुनाथपुर गाँव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी जो शूटिंग होता है तीरंदाजी में, मांझी सवैया को फ्रांस की पेरिस में संपन्न जो विश्व वर्ल्ड स्टेज 3 में, इनका नाम आपको याद रखना मांझी सेवैया है, जो कि चाईबासा रघुनाथपुर गांव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मांझी सेवैया को फ्रांस के पेरिस में कोच बनाया गया। और ये इससे पहले किसके कोच थे, इससे पूर्व वो इंडियन आर्मी के कोच रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंजलि गुप्ता, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की पूर्व कुलपति। ये घासीदास बिलासपुर कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये वहाँ की पूर्व कुलपति अंजलि गुप्ता जमशेदपुर महिला महाविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त हुई। तो इससे पहले वहाँ ये कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की थी, अब इनको जमशेदपुर महिला महाविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सुखदेव भोई, लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्राध्यापक सुखदेव भोई विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो
तो ये आपको नाम याद रखना है, ये कौन है, सुखदेव भोई है, जो कि लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय जो कि न्यू दिल्ली में है, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पे आप संस्कृत के लिए पढ़ाई कर सकते हैं जो कि न्यू दिल्ली में। इसके प्राध्यापक जो हैं सुखदेव भोई, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है, वहाँ के नए कुलपति इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अजीत कुमार सिन्हा, इन्हें रांची विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। अजीत कुमार सिन्हा जो है ये कहाँ के नए ये बनाए गए हैं, रांची यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है आपका तपन कुमार सांडिल्य, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नए कुलपति नियुक्त किए गए। तो आपको कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और जहाँ पर अपॉइंटमेंट जिनको अपॉइंट किया गया वो याद रखना है। तो तपन कुमार सांडिल्य कहाँ के किए गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नए कुलपति नियुक्त किए गए। नेक्स्ट आते हैं हेमेंद्र प्रताप देहाती, यह भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। वे स्वयं के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने जा चुके, मतलब इनके फादर भी थे और इनको भी खुद भी सेलेक्ट किया गया था। इनके अलावा 2005 में मधु कोड़ा की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे और साथ ही पलामू क्षेत्र के निवासी इन्हें कन्हर नदी जल हेतु संघर्ष करने के लिए याद करती हैं। ये मधुकोड़ा का जब गवर्नमेंट था तब भी उसमें क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, और आज भी पलामू क्षेत्र के निवासी इन्हें कन्हर नदी जल हेतु संघर्ष के लिए याद रखते हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये कौन है, हेमेंद्र प्रताप देहाती हैं, ये भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे, वो स्वयं भी भवनाथपुर रघुनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने जा चुके हैं। तो ये जो आपने ऊपर डिस्कस किया ये था आपके फेमस पर्सनालिटी या अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार, मतलब ड्यूरिंग वन ईयर कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो फर्स्ट अवार्ड है आपका स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों की नामों की घोषणा की। इसमें से कौन कौन से विद्यालय हैं वो आपको याद रखना है और ये किसके लिए सेलेक्ट किया गया, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जिसमें झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला। नेशनल लेवल में झारखंड को कौन सा पोजीशन मिला, थर्ड पोजीशन है ये। तो ये आपको रैंकिंग याद रखना है। विद्यालयों का चयन पुरस्कार हेतु किया गया है, तीनों चयनित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं, ये सारे माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से दो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के हैं और एक शहरी के हैं, दो जो है आपका रूरल एरिया का है और एक जो एरिया है वो अर्बन एरिया का है। इन्ना सोहनहातू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोआ मुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा कदमा का उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय शामिल है। इसमें जो जो स्कूल के नाम है जो उसको आपको याद रखना है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए देश भर के 39 विद्यालयों का चयन किया गया था। मीन्स ऑल टोटल 39 स्कूल्स में से इन लोगों को मिला है, जिसमें कि झारखंड का पोजिशन क्या है, थर्ड है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के देश में शीर्ष राज्य जो टॉप मोस्ट स्टेट थे वो गुजरात था, सेकंड पुडुचेरी था और थर्ड जो था अपना झारखंड था। तो आपको ये रैंकिंग याद रखना है, किसके लिए सेलेक्ट किया गया था, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022। ये आपका साहित्य लिटरेचर अवार्ड है जो कि 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में यह पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है। यह ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसको दिया गया है, 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है, 6 नवंबर को दिया गया है। प्रथम साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी, ये कहाँ की बिलोंग करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रेमोन लोंगको, आपको इन लोग का नाम याद रखना है और कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं और तांगसा आदिवासी रेमोन लोंगको कोंगकोंग फोंगफोंग, इनका नाम आपको ऐसे याद, इनका नाम ही यही है कोंगकोंग फोंगकोंग, महाराष्ट्र के भील आदिवासी ये जो थे कोंगकोंग फोंगकोंग अरुणाचल प्रदेश के, महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, डकैत देव सिंह भील के बच्चे और धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली के उरांव आदिवासी कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिंगा, जिनको की मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, इनको किस बुक के लिए दिया गया और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं। एक पहला था अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रोमोन लोंगकू, नेक्स्ट थे महाराष्ट्र के
भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, इनका बुक का नाम है डकैत देव सिंह भील के बच्चे। और तीसरी जो थी वो एक उरांव आदिवासी कवयित्री उज्ज्वला ज्योति, जिनको कि मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार। दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार में चयनित किया गया। ये इनको नेशनल अवार्ड का पुरस्कार से चयनित किया गया। और ये कहाँ के है, दैनिक जागरण धनबाद। पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली इस तस्वीर में क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको पेंटिंग में क्या इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। पानी की हर बूंद की महत्व बताने वाली इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजुली में भरकर, मीन्स हाथ में भरकर उससे प्यास बुझाते हैं और गर्मी के बचाव के लिए चेहरे पर पानी डालते हुए दिख रहे हैं। तो ये फोटो कहाँ का है, दैनिक जागरण धनबाद का है। जल ही जीवन शीर्षक के तहत दैनिक जागरण में प्रकाशित इस फोटो न्यूज़ को निर्णायकों ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2020 में चुना है। इसके लिए धनबाद के झरिया में रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। तो जिसको पुरस्कार दिया गया उसका नाम आपको याद रखना है, ये कौन है, धनबाद के झरिया में, झरिया के कौन है ये, इजहार आलम। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजातीय गौरव सम्मान 2022। झारखंड के प्रभात खबर अखबार के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, प्रभात खबर अखबार के पत्रकार हैं, कौन है ये, नागेश्वर के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो थी उसमें उसकी पूर्व संध्या पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से, कहाँ किनके सौजन्य से मिला है, जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंत राव सेंटर में आयोजित, ये कहाँ आयोजन किया गया था, मुंबई में किया गया था यशवंत राव सेंटर में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपको ये सम्मान का नाम याद रखना है, किसको दिया गया है, झारखंड के प्रभात खबर अखबार की जो पत्रकार है नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर दिया गया है। और ये मुंबई में जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें ये अवार्ड दिया गया है, जनजातीय गौरव सम्मान। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमचंद स्मृति कथा एवं सम्मान। झारखंड के कथाकार और वह उपन्यासकार रनेंद्र को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें आप उपन्यासकार का नाम याद रखेंगे, उनकी कौन सी रचनाएं हैं वो याद रखेंगे। तो किनको दिया गया, रनेंद्र को 14वां प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा, उनका जो ये बुक जो है वो क्या है, कथा यात्रा, जो हम लोग टूरिज्म घूमते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ये उस पर बेस्ड है। यह कथाकार 56 छुरी 72 पेंच, ये उनके बुक का नाम है 56 छुरी 72 पेंच। तो ये आप याद रखिए, भूत बेचुआ, बाबा, कोवे, काली रात जैसी कहानियों और ग्लोबल गाँव के देवता, गायब होता देश तथा गूंगी रुलाई का कोरस जैसे उपन्यासों के लिए एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। ज्ञातव्य है कि उर्वरक क्षेत्र के अग्रगणी सहकारी संस्था इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको द्वारा इन्हें वर्ष 2020 का श्री लाल शुक्ला स्मृति इफको साहित्य सम्मान भी दिया जाएगा। और यह सम्मान पाने वाले झारखंड के ये पहले साहित्यकार हैं। जब ये पहले साहित्यकार है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आ जाता है कि ये, इनका आपको नाम याद रखना है, रनेंद्र, इनको मुंशी प्रेमचंद का अवार्ड दिया गया है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, क्योंकि आपको बुक्स एंड ऑथर्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, तो इनकी जितनी रचनाएं हैं सब आपको याद रखना है, 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचुआ, बाबा, कोवे, काली रात, ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या है, इनका कथाकार जो है, और जो इनकी कहानी है इनकी ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश तथा गंगू रुलाई का कोरस, ये उपन्यास है और एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। ये जितने भी आपको बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, एज ए बुक्स एंड ऑथर्स आप इसको याद कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इनको उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन
फॉर्म्स फर्टिलाइजर एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड दैट इज इफको द्वारा इन्हें वर्ष 2020 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इफको द्वारा इनको यह 2020 का श्री लाल शुक्ला स्मृति इफको साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जो कि यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। तो जो भी फर्स्ट इन एशिया, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन झारखंड है, वो तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपके जितने भी अवार्ड सेक्शन थे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका मोबाइल पोर्टल ऐप, जितने भी पोर्टल ऐप बनाए गए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी संस्कृत रिलेटेड क्लास भी चल रहा है आपका, और कुछ वीडियोस आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए भी दिए गए हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना वो इवेल्युएट कीजिए कि आपको कैसे नंबर आ रहे हैं। आगे भी और भी प्रैक्टिस सेशन आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में दिया जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन सेट लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और आपका मीन्स आप किस रैंक पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऐप में जोहार झारखंड ऐप। झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट ने मिलकर द जोहार झारखंड बनाया है। ये एक ऐप है जिनमें गुमला जिले के राहुल प्रताप रंजन, रवि कुमार रंजन, जोहार झारखंड की फाउंडर राज लक्ष्मी, फाउंडर देवघर की तन्वी आचार्य, जमशेदपुर के जस्मीन आर, धनबाद के मयंक खंडेलवाल, राहुल कुमार साहू, आयुष विक्रांत, कंचन पांडे, अनुपम कुमार, राहुल नाग, इसमें जितने लोगों का नाम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐप जोहार झारखंड नाम के ऐप से बना है। इस ऐप के माध्यम से झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई है। तो एक बार फिर से मैं आप सब के नाम को रिपीट करती हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। गुमला के कौन किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, गुमला के राहुल प्रताप रंजन, रवि कुमार रंजन, द जोहार झारखंड की फाउंडर राज लक्ष्मी, फाउंडर देवघर की तन्वी आचार्य, जमशेदपुर के जैस्मिन आर और धनबाद के मयंक खंडेलवाल, राहुल कुमार साहू, आयुष विक्रांत, कंचन पांडे, अनुपम कुमार और राहुल नाग। ज़्यादातर जो हैं वो धनबाद से हैं, तो आप वो नाम याद रख लीजिए। कुछ नाम गुमला से हैं, कुछ एक नाम जो है आप जमशेदपुर से है, और ज़्यादातर नाम धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ही है। अनुप कुमार, राहुल नाग, इस ऐप के माध्यम से ये ऐप किस लिए बनाया गया, झारखंड के जितने पर्यटन स्थल थे उनकी जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट ऐप आपका आता है सीएम सपोर्ट ऐप। ये नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सीएम के थ्रू कोई सपोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी 2022 को, ये कब किया गया है, 26 जनवरी 2022 को दुमका में ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत राशन कार्ड धारियों को उनके दो पहिया वाहन के लिए और उनको हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल और 25 रुपये सब्सिडी प्रति लीटर, यानी 250-250 रुपये प्रति माह उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये क्या है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपोर्ट सिस्टम ऐप है। ये किसके लिए है, दुमका में ये ऐप लॉन्च किया गया है, इसके तहत राशन कार्ड धारियों को दो पहिया वाहन के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल, जिसमें कि 25 रुपये का आपको सब्सिडी दिया जाएगा, और प्रति माह आपको 150-250 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड सेवा पोर्टल ऐप। झार सेवा पोर्टल ऐप के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड सार झार सेवा प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आज ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के माध्यम से झारखंड झार सेवा प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। ये किस लिए बनाया गया, इसमें जितने भी आपके जो डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इसके लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से डाउनलोड या मतलब बनवा सकते हैं। तो ये क्या है, डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए और सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध, जैसे कि पहले क्या होता था, ऑफलाइन प्रोसेस होता था जो कि बहुत लंबा खींचता था, तो इस चीज़ को टाइम को सेव करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया, जो कि आप बिना परेशान हुए विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको ये सर्टिफिकेट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं झार भूमि पोर्टल।
यह झारखंड राज्य द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए शुरू किया गया भूलेख पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से खसरा, खतौनी, जमीन खतियान रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जमीन रजिस्ट्री विवाद संबंधी विवरण आदि जानकारी उपलब्ध है। जैसे कि आपका जमीन का खतियान क्या है, कब कब किसको बेचा गया, किससे खरीदा गया, किसका है या पहला किसका था, ये सारा जो भी आपको डिटेल जानना हो तो आप झार भूमि पोर्टल से यह इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चौथा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये आपका इंडेक्स है, पहले हम लोग पोर्टल कर रहे थे, अब इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब है, 7 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई। खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन पर आधारित है। इसमें 5 मेन पॉइंट्स है जिस पर ये बेस्ड है। पहला है मानव संसाधन एवं संस्थागत डेटा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है वो। नेक्स्ट है अनुपालन। तीसरा है खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा एवं निगरानी। फोर्थ है परीक्षण एवं क्षमता निर्धारण। लास्ट है उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये किसके द्वारा किया गया, फसाई के द्वारा किया गया है। कब किया गया, 7 जून 2022 को किया गया है। और ये केंद्र और राज्य सरकार शासित के प्रदर्शन पर, मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पर प्रदर्शित जो पॉइंट्स है वो उस पर आधारित किया गया है। बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर राज्य में की जा रही पहल संतोषजनक नहीं है। विभिन्न मानकों में तय किए गए अधिकतम 100 अंक में झारखंड को मात्र 41.5 अंक लाकर पूरे देश में 16th स्थान मिला है। मतलब अकॉर्डिंग टू फसाई जो सारे नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स में झारखंड को कितने पॉइंट्स मिले, 41.5। और इतने पॉइंट लाके झारखंड का रैंक क्या है, 16th रैंक मिला है। गौरतलब है कि कुल 82 अंक लाकर तमिलनाडु रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। तमिलनाडु का रैंक क्या है, टॉप पोजीशन तमिलनाडु का है। और उसका रैंक, ये टोटल मार्क्स कितना है, 82 अंक है। और झारखंड का क्या है, जस्ट हाफ 41.5, और ये 16th पोजिशन में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण योजनाएँ, कौन कौन सा प्लानिंग और पॉलिसीज झारखंड में चल रहा उसके बारे में इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों को, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ये कौन सा क्रेडिट कार्ड योजना है, जो गरीब, जो BPL फैमिली से हैं और जिन्होंने 10th और 12th के जो छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर, जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। सरकार की इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड बनाएगी। कितने करोड़ रुपए का, 200 करोड़ का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मतलब ये आगे चलकर दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएं, इसके लिए इनको फाइनेंशियली हेल्प करना है। झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 10वीं और 12वीं, डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा पास में पढ़ने वाले और 12वीं के लिए, डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा पास में पढ़ाने वाले और छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ऐसे जो भी स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट लोन दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। छात्रों को यह क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सके। मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं रहे, वो सीधे आराम से उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप या लोन प्रोवाइड किया जा सके। इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम मैक्सिमम 15 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। कितने का ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब, कि लोन कितने का ले सकते हैं, 15 लाख रुपीज़ का। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30%, मैक्सिमम कितना है, 30% संस्थागत कार्य, रहने और खाने का खर्च। मतलब 30% आपका जो रेसिडेंशियल है, फूडिंग है, उसके लिए होगा। और नेक्स्ट उपलब्ध रहेगा इसके लिए छात्रों को 4% की साधारण ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या, ओनली 4% है।
का भुगतान करना होगा। मतलब जब ये पढ़ लेंगे तो इनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके ये पैसा का रिटर्न करना पड़ेगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा। बाकी जो बचता है वो क्या, गवर्नमेंट जो है खुद इसका पेमेंट करेंगी, यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गारंटी करेंगे स्टूडेंट के लिए, एज ए गारंटर का रोल प्ले करेंगे। छात्रों को लोन लेने के लिए किसी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले होता था कि गारंटी चाहिए या फिर आपको कुछ अपना कुछ ऐसा गारंटर एज इन ये रखना पड़ेगा, वो सब किसी भी तरीके का कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना होगा। छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे और इसका ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड 15 साल का है और एग्जैक्टली आपको लोन कितने का मिल रहा है, 15 लाख का। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया होगा वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें कितने का अमाउंट मिलेगा, कब तक मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। इसमें क्या है, जो 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से कुछ स्टूडेंट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सबसे चुने गए कुछ स्टूडेंट को लाया जाएगा, दैट इज़ 27,000 स्टूडेंट को मुफ्त में, फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रिपरेशन कराया जाएगा, जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल का एग्ज़ाम है। लाभार्थियों को स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकार संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। उनको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए एक एग्ज़ाम पास करना होगा, जो भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया वो फॉलो करना पड़ेगा। इस योजना के तहत मेधावी छात्र जो मेरिटियस स्टूडेंट है उनको UPSC, JPSC, JSSC, बैंक PO वो क्लर्क और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसके बाद आपको UPSC, JPSC, बैंक PO, रेलवे क्लर्क, ये सब के लिए आपको फ्री एडुकेशन, मतलब कैसे आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। सरकार UPSC की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए UPSC के लिए 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग परीक्षा की तैयारी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए और 2,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। UPSC के लिए 1,000, JPSC के लिए 2,000 का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2,000 बच्चों को बैंक PO की परीक्षा के लिए, मतलब बैंक PO के लिए 2,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, जबकि 5,000 बच्चों को बैंक क्लर्क परीक्षा की तैयारी कराएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा और कर्मचारी जो SSC लेवल और बैंकिंग रेलवे है उसके लिए प्रतिवर्ष 850 बच्चों का योजना के तहत चयन किया जाएगा। मतलब इसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा वो आपको नंबर ध्यान देना है। साथ ही हर लाभार्थी को, जितने भी इसमें लाभार्थी हैं उनको तैयारी के दौरान प्रति माह जब ये प्रिपरेशन करेंगे, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इनको 2500 की सहायता राशि भी दी जाएगी। और ये किसके थ्रू होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कितने UPSC के लिए कितने हैं, JPSC के लिए कितने, बैंक के लिए कितने, क्लर्कियल एग्ज़ाम के लिए कितने, JSSC, SSC और रेलवे बैंकिंग के लिए कितने हैं, ये सारे आपको जो डेटा है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रमुख नीति। अब झारखंड सरकार ने कितनी सारी नीति बनाई है वो आपको देखना है। इसमें से फर्स्ट आता है नई पर्यटन नीति 2022। 24 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में झारखंड की नई टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की। कब की, 24 जुलाई को, कहाँ पे की, नई दिल्ली में, किनके द्वारा किया गया, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। इस नई टूर्स पॉलिसी के तहत निवेशकों को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पैकेज का नाम क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। साथ ही निवेशकों को कई तरह के इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके अंतर्गत निम्न लाभ दिए जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉफिट ये मिलेगा। फर्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 10 करोड़ की लिमिट और 20-25% सब्सिडी दी जाएगी। जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा उसकी लिमिट क्या है, 10 करोड़ है और 20-25% सब्सिडी आपको मिलेगा। 5 ईयर्स तक का नेट
SGST का 75% का सब्सिडी मिलेगा आपको, 75% का छूट मिलता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल तक आपको स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी, आपको ये दो ड्यूटी नहीं लगेगा। कितने ईयर्स के लिए? 5 साल के लिए। यह आपको क्वेश्चन फैक्ट्स देके भी पूछा जाता जा सकता है कि ये सारे फैक्ट्स किस पॉलिसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है निवेश और इंसेंटिव के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। ये सब में आपको सिंगल विंडो सिस्टम होगा, मतलब डोर टू डोर नहीं भटकना पड़ेगा, सिंगल विंडो में ही सारा क्लियरेंस हो जाएगा। महिलाओं, SC ST और दिव्यांगों के लिए नीति में विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये सब के लिए नीति में विशेष व्यवस्था की जाएगी। कब? महिलाओं के लिए, SC ST के लिए और दिव्यांगों के लिए। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल, इसमें धार्मिक पर्यटन स्थल जो है क्या है, देवघर, पारसनाथ, मधुपन और ईंटखोरी जैसे धार्मिक स्थलों के लिए नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे के अलावा उनका सुंदरीकरण भी किया जाएगा, मतलब उनको डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और इस पॉलिसी में जो पर्यटन स्थान है उसके नाम क्या है, देवघर, पारसनाथ, मधुबन, ईटाखोरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इको टूरिज्म के लिए क्या क्या चेंजेस लाया जाएगा, प्रकृति के साथ जुड़ते हुए जगह हैं लातेहार, नेताहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिचैया, गेट, लसूत को सर्टिफिकेट, विकास कार्य प्रगति पर है। इन जगहों पर पर्यटकों के रहने के लिए रेस्ट हाउस उपलब्ध कराए जाएंगे। जो एवं मेंशन जो जगह है आपका बेतला, चैंडले, दालमा, इन सब जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको रहने के लिए क्या मिलेगा, गेस्ट हाउस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य की वैभवशाली संस्कृति, जो कल्चर है स्टेट का, कल्चर का अनुभव कराने के लिए राज्य की जीवंत एवं विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए फूड फेस्टिवल, इंटरस्टेट कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर फूड फेस्टिवल मतलब यहाँ की क्या फूड हैबिट्स है, क्या कल्चर है, इन सबको इवेल्युएट करने के लिए, इन सबको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं ग्रामीण पर्यटन की क्षमता बढ़ाने के लिए चुने हुए गाँव का सुंदरीकरण, स्थानीय व्यंजनों तथा ग्रामीण जन जीवन को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें जो भी रूरल एरियाज है उनको सुंदरीकरण करने के लिए, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए, जो भी लोकल फूड है उन चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ पर्यटन में शामिल किया गया है। ये जो रूरल एरियाज है मीन्स लोकल टू ग्लोबल, जो लोकल चीज़ है उसको ग्लोबली फेमस करने के लिए ये सारा प्रमोशन किया जा रहा है। राज्य की पर्यटन पॉलिसी में राज्य की खनिज संपदा, ऑलरेडी सबको पता है झारखंड है तो यहाँ पे माइनिंग खनिज संपदा तो बहुत है, कोल, कॉपर, आयरन, बॉक्साइड, यूरेनियम, ये सब का तो कमी है नहीं यहाँ पे। तो खनिज संपदा को प्रदर्शित करने और खनन पर्यटन के जरिए संभावनाओं की तलाश किया जाएगा, मीन्स इस चीज़ को और प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नई पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पॉलिसी में क्या क्या को प्रमोट किया जाएगा, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग ETC। वाटर स्पोर्ट्स के लिए किस चीज़ को चुना गया, तिलैया, मंसजोर, चांडिल, पतरातू, गेतलसूद, केगा घाट, हटिया जैसे डैम को, ये सारे जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये सब क्या डैम है, तिलैया डैम है, मंसोर डैम है, चांडिल डैम है, पतरातू डैम है, तो ये सारे डैम का नाम आपको याद रखना है। ये था आपका पॉलिसीज। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्मरणीय स्थल, कुछ ऐसे जो फेमस प्लेस हैं, तो कौन कौन से फेमस प्लेस रहे हैं लास्ट ईयर, तो इसमें सबसे फर्स्ट प्लेस आता है उलुंग जल प्रताप, उलुंग वाटरफॉल। ये किस लिए फेमस हुआ, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस अपने पूरे परिवार के साथ इस स्थान में घूमने आए, जो गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर जो थे वो यहाँ पे अपने फुल फैमिली के साथ घूमने आए थे, इसलिए ये फेमस है। ये जल प्रताप खूंटी जिले में है, कहाँ पे है ये, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, रनिया ब्लॉक के क्षेत्र में, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, दक्षिणी कोयल नदी पे, किस नदी पे है ये, दक्षिणी कोयल, साउथ कोयल रिवर पे है, और ये नक्सली प्रभावित है, यहाँ पे नक्सलाइट अटैक नॉर्मल है, कॉमन है, यहाँ पे होता रहता है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, रनिया प्रखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो प्लेस है चित्रकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत रोपवे, तकनीकी खराबी के कारण यहाँ कई पर्यटक रोपवे पर ही फंस गए थे, बाद में NDRF की टीम द्वारा बचाव कार्य किया गया। गौरतलब है कि त्रिकूट पर्वत रोपवे भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है,
ये कौन सा है सबसे हाईएस्ट रोपवे है? यह झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ये पर्वत कहाँ है? देवघर जिले में है। यह जमीन से लगभग इसका हाइट क्या है? 15 फीट की हाइट पर है। त्रिकुट पहाड़ की तलहटी मयूराक्षी नदी से घिरी हुई है। रोपवे की लंबाई 766 मीटर है। त्रिकुट रोपवे में पर्यटकों की कुल 26 केबिन है। तो इसमें जितने भी आपको फैक्ट्स हैं, सबसे पहले तो इसका हाइट आपको याद रखना 15 फीट। ये पहाड़ी किस नदी के तलहटी से जुड़ी हुई है? मयूराक्षी नदी से। रोपवे का हाइट क्या है? 766 मीटर। और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये फेमस प्लेसेस में आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट में हम लोग आते हैं फेमस बुक्स। स्टेट का फेमस बुक्स कौन कौन सा है? मधुकर गंगाधर साहित्य एवं समग्र मूल्यांकन, ये किसने लिखा है? डॉक्टर कुमार तिवारी, डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी। तो आपको बुक का नाम याद रखना है, मधुकर गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी। नेक्स्ट बुक आता है टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि मिहिर वस द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक आया है आपका जनम दिसोम उजारो काना, इसके ऑथर है सालगे हंसता। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका विचारों की 11 अध्याय, जो कि रविंद्रनाथ महतो द्वारा रचित है। तो इसमें आपको जितने भी बुक्स हैं और ऑथर्स हैं उनको आप बार बार लिख लिख के रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे अप ड्यूटफुल।